नमस्कार, मैं स्वयं सिंह और आप देख रहे हैं बीपीडीएम न्यूज। अग्निपथ के अग्निवीरों ने देश को अग्नि में झोंकने का कमान संभाल लिया है। आखिर किस तरीके का न्याय का गुहार लगा रहे हैं ये बिहार के युवा। बिहार बंद किया गया है आज शनिवार को और उसके बाद भी पटना के तारेगना स्टेशन में उपद्रवी ने लगाई आग। दर्जनों गाड़ियों को फूका हिंसा। उपद्रव रोकने के लिए पटना डीएम एवं एसएसपी ने संभाली कमान। फायरिंग भी हुई। अग्निपथ के खिलाफ बिहार के युवाओं में उभरा आक्रोश शनिवार को भी जारी है। बिहार बंद के बीच शनिवार को एक बार फिर से रेलवे को निशाना बनाया गया है। पटना के मसौढ़ी के तारेगना स्टेशन परिसर में उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है स्टेशन परिसर को। स्टेशन परिसर में आग लगाने के साथ साथ पार्किंग में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। करीब एक दर्जन से अधिक वाहनों में आग लगा दी गई। हिंसक प्रदर्शन को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को खाके मकसद करनी पड़ रही है। उपद्रवी को रोकने के लिए हिंसा उपद्रव को काबू करने के लिए पटना डीएम एसएसपी को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर एवं एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्ले मसौढ़ी पहुंचे और उन्होंने भीड़ को खरीदा। हालांकि एक घंटे से ज़्यादा समय तक भीड़ ने तारेगना स्टेशन पर जमकर उत्पाद मचाया। सूत्रों के अनुसार उपद्रवियों को पुलिस के बीच फायरिंग भी हुई। हालांकि पुलिस की ओर से फायरिंग की पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के सिवान, गोपालगंज व समस्तीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और सभा जुलूस प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अग्निपथ प्रोटेस्ट के बीच अग्निपथ के योजना के विरोध में बिहार बंद के दौरान भी मुंगेर के वीडियो के गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया। वहीं कल पालीगंज के थाना के गाड़ी को लहका दिया गया था। आगजनी के मामले सामने आए थे। विद्रोह तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कोई जो है समझने को तैयार नहीं कि अग्निपथ के विद्रोह में देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना अपने ही संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के जैसा है। एक बार सोच के देखिए, क्या देश जलाकर कर पाएंगे देश सेवा।